एबीपीएस न्यूज़, एबीपीएस न्यूज टीम के साथ जनपद बिजनौर के ब्लॉक हल्दौर में स्थित इस्लामपुर गांव में लेकर चलते हैं। लगभग 4500 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी 8 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव की प्रधान करिश्मा हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। वर्तमान प्रधान ने सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में शौचालयों का निर्माण कराकर पात्रों को वितरित किए हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी पाठशाला में लगभग 130 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो शिक्षा की बदहाल स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान ने गांव में सीसीटाइज रोड का निर्माण, खडंजा निर्माण, नाली निर्माण का कार्य कराया है। वहीं पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 35 हैंडपंप लगवाए गए हैं तथा 5 और हैंडपंप लगवाने की सरकार से मांग है। बात अगर विद्युत व्यवस्था की जाए तो गांव में 70 विद्युत पोल, 2 विद्युत ट्रांसफार्मर व लगभग 10 सोलर लाइट वर्तमान प्रधान द्वारा लगवाई गई हैं तथा 20 विद्युत पोल एवं 2 ट्रांसफार्मर सरकार से लगवाने की मांग है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में बारात घर, स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत घर, सरकारी ट्यूबवेल के निर्माण की मांग राज्य में केंद्र सरकार से की है। प्रधानमंत्री तिरुमल सिंह, मैंने अपनी ग्राम पंचायत में बहुत से अच्छे कार्य कराए हैं और जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए पैसे का सदुपयोग करा है। गाँव में अच्छी सीसी बनवाई है, शौचालय बनवाए हैं और सौर लाइट लगवाई है और मेरी सरकार से विनती है कि गाँव में स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए कि सामाजिक सुविधा लोगों को प्राप्त हो। इस्लामपुर थम्बू चौक के राजस्व ग्राम फतेहपुर असल का सफाई कर्मचारी हूँ और हमारे जो लेडीज़ प्रधान करिश्मा देवी हैं उन्होंने हमारे यहाँ विकास कार्य ठीक प्रकार से किया है जो किसी ने आज तक नहीं किया था। और मैं यहाँ पे एक बारात घर और स्वास्थ्य केंद्र तथा पंचायत घर का पंचायत घर की मांग करता हूँ। मोदी जी से यही मेरा अनुरोध है, वो कृपया इस मांग को पूरी करें।